आज हम टियर डाउन करने वाले हैं टोजो के एक लौते ब्लूटूथ स्पीकर का, टोजो PA1। तो इसके हमने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू करा हुआ है, तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो स्पीकर काफी तगड़ा था अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से एंड ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला इंडिया में सिर्फ हमने ही इसका रिव्यू कराया एंड टियर डाउन करने वाले भी हम पहले बनने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं स्पीकर का राज कैसा ये स्पीकर है, तो वीडियो को पहले लाइक कर दो यार, काफी सपोर्ट मिलता है हम आपके लाइक करने से। एंड अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो अपना सपोर्ट दिखाओ यार, हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। तो इसको ओपन करने के लिए इसकी फ्रंट ग्रिल को हम पहले निकाल लेते हैं। तो फ्रंट ग्रिल की जो क्वालिटी है, प्लास्टिक क्वालिटी, काफी अच्छी है, हाथ में पकड़ने में भी हैवीनेस फील हो रही है। टॉप पार्ट में फैब्रिक का यूज किया गया है। तब इसके फ्रंट पैनल को ओपन करने के लिए दिए गए हैं इसमें 6 स्क्रू। एंड स्पीकर की एक खास बात है, ये काफी आराम से ओपन हो जाता है, हालांकि IPX7 रेटेड है। इस तरीके से यहाँ पे इसके कनेक्शंस हैं, यहाँ पे स्पीकर कनेक्शन एंड माइक्रोफोन कनेक्शन है, दोनों को हम निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पे रबर का यूज़ किया गया है ताकि एयर टाइट हो सके एंड पानी वगैरह इसके अंदर ना जाए। तो ये चीज़ मुझे कंपनी की काफ़ी सही लगी, क्योंकि काफ़ी आराम से आप इसको ओपन करके रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी स्पीकर्स में यहाँ पे ग्लू का यूज़ किया जाता है एंड जब आप इसको ओपन करते हो तो ग्लू भी निकल जाता है एंड वापस से आपको ग्लू को लगाना होता है, कई बार स्पीकर डैमेज भी हो जाता है उसमें। तो यहाँ पे स्पीकर डैमेज होने का कोई भी चांस नहीं है, काफ़ी आराम से आप इसको ओपन कर पाओगे। यहाँ पे इसका बेस रेडिएटर है जो यहाँ पे पेस्टेड है, ये इसका वूफर, यहाँ पे ओपन करने के लिए दिए गए हैं 4 स्क्रू। एंड इसके नीचे के पार्ट में भी रबर पैडिंग दी गई है ताकि एयर टाइट रहे एंड इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए। तो ये है इसका वूफर एंड जो वूफर की क्वालिटी है काफ़ी मुझे सही लगी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। एंड जो फ्रंट पैनल की क्वालिटी है ये भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हार्ड प्लास्टिक इसमें यूज़ किया गया है, हाथ में पकड़ के इसकी हैवीनेस फील भी हो रही है। यहाँ पे इसका माइक पेस्टेड है। तो मदरबोर्ड को ओपन करने के लिए यहाँ पे दिए गए हैं 5 स्क्रू। ये है इसका बैटरी कनेक्शन, इसको निकाल देता हूँ मैं। तो जो बोर्ड का कलर है वो ब्लैक है, ऐसा आप देख सकते हो, वैसे ग्रीन होता है मोस्टली स्पीकर्स में। इसी में इसका टाइप सी पोर्ट भी है एंड बटन्स भी इसी में दिए गए हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, इसके टाइप सी पोर्ट में रबर सील कंपनी ने प्रोवाइड करी है जैसे आप देख सकते हो, ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए। मोस्टली इस तरीके का वर्क हमें महंगे स्पीकर्स में देखने के लिए मिलता है, लाइक JBL एंड सोनी। यहाँ पे इसकी बैटरी है एंड काफ़ी आराम से निकल जाती है बैटरी, पेस्टेड नहीं है। एंड देख लेते हैं कितने एमएच की ये बैटरी है। तो 3.7 वोल्ट की 4000 एमएच की बैटरी इसमें यूज़ की गई है। एंड ये है इसका कैबिनेट, जो प्लास्टिक क्वालिटी है काफ़ी हार्ड है एंड काफ़ी स्टर्डी है, हाथ में फील हो रहा है। तो इसके पीछे के पार्ट में भी एक बेस रेडिएटर पेस्टेड है सेम साइज़ का जैसे फ्रंट पार्ट में है एंड यहाँ पे एक रबर पेस्टेड है ताकि वूफर इसका अच्छे से फिट रहे। टॉप पार्ट में सारे कंट्रोल्स हैं। तो ज़्यादा कुछ तामझाम स्पीकर के अंदर नहीं है, अब इसको फटाफट से हम क्लोज कर देते हैं एंड प्ले करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगी इसकी बैटरी। तो अब इसको कम्प्लीटली क्लोज करने से पहले एक बार हम ऑन करके चेक कर लेते हैं। तो अगर आप इसका नेकेड बेस टेस्ट देखना चाहते हैं, इसके स्पीकर एंड बेस रेडिएटर को वाइब्रेट होता देखना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम सभी स्पीकर्स का साउंड टेस्ट एंड बेस टेस्ट अपलोड करते रहते हैं।